कुछ देर अपने अंदर जो बच्चा है जो इधर उधर कहीं भाग जाता है उसे पूछें वो ठीक है उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई या उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बरकरार है तो आज बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ हैं ब्राह्मा शिवानी शांति शांति आपका हैप्पीनेस इंडेक्स तो हर बार ही स्टेबल होता है बट बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं आपसे शुरू करते हैं कभी आपके साथ भी ऊपर नीचे होता है ऑफ कोर्स एवरी डे आई थिंक कुछ ना कुछ बातें तो आती हैं जैसे लेकिन अब क्या है सिर्फ ईजियर है पहले मुश्किल था एंड दैट्स द जर्नी कि वो डे बाई डे ईजियर होता जाएगा अवेयरनेस ऐसी चीज़ नहीं आज सोचा हो आज गया। हो गया बिकॉज वट एवर वी आर डिस्कसिंग हेयर ये डीप चीज़ें हैं और हमारे बहुत डीप रूटेड संस्कार हैं जिनको हम ऊपर ऊपर से नहीं ठीक कर सकते कई बार ऐसा लगता ठीक हो गया यू नो यू से ओके ये प्रॉब्लम थी मेरी सोचने के तरीके में मैंने एक दूसरी थॉट क्रिएट की ठीक हो गया लेकिन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज़ इट हैज अप अगेन ये कहाँ से ये वैसे वाली थॉट फिर से आ रही है इट्स जस्ट दैट नाउ फोकस इज वेरी उसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होता कि दूसरा ठीक होगा तब मेरा मूड ठीक हो जाएगा आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट मुझे ये पता है कि ये मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ और जितना जल्दी डिसाइड करूंगी उतना तो जल्दी उसको ठीक कर लूंगी सो आई ऑलवेज जस्ट हैल्फ कब तक का प्रोग्राम है इस हालत में रहने का थिंक अबाउट इट कितनी देर तुम्हें इस तरह से कन्फ्यूजन में दर्द में हर्ट में रहना है एंड देन यू नो दैट क्वेश्चन इट सेल्फ सेज ओके ओके फाइन आई नो आई वॉज गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक एंड यू स्टॉक पेन यू से ध्यान रखना शुरू कर दूँ जैसे हमने पहले भी देखा कि लेट गो करना है जो पकड़ा हुआ है उनको जल्दी जल्दी छोड़ते जाओ जितना देर पकड़ के रखते हैं उतना फिर छोड़ना मुश्किल होता है इसी तरह एक और चीज़ का जो हम ध्यान रख सकते हैं एंड दैट इज़ लेट बी लेट पीपल बी द वे दे आर अगर आप एक दिन चेक करो या एक घंटा भी चेक करो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा औरों के जीवन में इंटरफेयर hmm. करता है मतलब कोई इसके पास कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन मन को एक आदत पड़ी हुई है औरों के जीवन के बारे में सोच सोचने की, की। तो लेट एवरी वन क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं लेट देम बी एंड यू नो स्टॉप इंटरफियरिंग इन पीपल्स लाइफ्स उन्होंने मांगा नहीं है हमसे हमारा ओपिनियन और ये ओपिनियन ज़रूरी नहीं हम शब्दों में दे रहे होते हैं हम अंदर ही चल रहे होते हैं राइट फ्रॉम अ पर्सन यू नो यू सी अ पर्सन एंटरिंग हम उनकी लुक्स पर क्रिटिकल hmm. हो रहे हैं हम उनकी ड्रेसिंग सेंस पर क्रिटिकल हो रहे क्रिटिकलियर पर उनके उनकेवियर पर यू नो लाइक कैसे वो बात कर रहे हैं हर चीज़ पे हम जो है वो कॉन्स्टेंटली तो क्या होता एक एक मोमेंट जैसे हमने देखा इट्स वन मोमेंट माय लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ मिनट्स एक एक मिनट ऐसे पास हो रहा है अब जितने मोमेंट्स हम औरों के बारे में सोच रहे हैं उतनी देर हम अपने बारे में नहीं नहीं सोच रहे हैं और हम फिर उनके बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है एंड वे नवर वी थिंक और डू समथिंग विच इज़ नॉट इन माई कंट्रोल वो मेरी एनर्जी को वेस्ट करता है लेट्स से कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा ब्रिक है अभी मेरे में उतनी ताकत नहीं है उसको तोड़ने की लेकिन मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूँ तो वो टूटेगा नहीं मैं आधा घंटा एक घंटा ट्राई किया yeah. लेकिन आफ्टर दैट हाउ विल आई फील मेरे को बहुत थका हुआ फील होगा क्यों क्योंकि मैंने एनर्जी बहुत लगाई वो काम करने में जो कि मेरे से हो नहीं सकता तो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एक एक थॉट हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो इसके लिए हम हमेशा यही याद रखते कि सारा दिन ड्रामा चल रहा है हर एक एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है लेट्स नॉट राइट अदर पीपल स्क्रिप्ट ये जो हम स्क्रिप्ट सारा दिन औरों की लिख रहे हैं इन्होंने ऐसा क्यों बोला इनको ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था ये भी कोई बात करने का तरीका है थोड़ा सा तो पोलाइटली बोलते ये नहीं है ह्यूमिलिटी नहीं है इनके अंदर वी आर राइटिंग देयर स्क्रिप्ट दे आर फाइन द वे दे आर लेकिन हम उनकी स्क्रिप्ट लिखते लिखते हम ये सोचना भूल जाते मुझे क्या बोलना चाहिए था अब ये लगता है कि बहुत छोटी सी बात है लेकिन अगर आप हर एक सीन में देखेंगे इवन अ सिंपल थिंग लाइक सपोज बोथ ऑफ अस हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं डिस्कशन बढ़ते बढ़ते एक आर्ग्यूमेंट बनती जा रही है लेकिन डिस्कस करते करते मेरा ज़्यादा ध्यान किस पर होता है कि आप क्या बोल hmm. रहे हो आपको क्या बोलना चाहिए था आपको क्या नहीं बोलना चाहिए था आपके लिए क्या सही है आपके लिए क्या गलत है तो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रामा आज अगर हम थिएटर देखने जाएं तो ड्रामा स्मूथली परफॉर्म तब होगा अगर हर एक एक्टर अपने पे काम कर रहा है उन्हें पर काम कर रहा है एक बार हम एक थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे थे इन विच इट वॉज अ मोनो एक्टिंग यू नो एक ही था एक्टर एंड दैट वन एक्टर वॉज प्लेइंग लॉट ऑफ रोल्स इट वॉज़ वेरी वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस उनके बहुत डायलॉग्स थे उनको जो बोलना था एंड उन्होंने वो प्ले मतलब अनगिनत बार वो कर चुके थे इट वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड ट्रैवल अब इस चीज़ में अगर आप देखें तो उस एक्टर को वो डायलॉग्स तो बाय हार्ट याद होंगे मतलब बिना एफर्ट के भी वो अब बोल सकते हैं और उस दिन क्या हुआ जैसे ही वो परफॉर्म कर रहे थे तो इन द मिडल ऑफ द प्ले किसी का मोबाइल बच गया वेंट ब्लैंक ही जस्ट स्टूड ही कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है और उनको ऐसा दो मिनट लगा उन्होंने फिर जैसे यू नो ही जस्ट टूट स्टिल साइलेंट टू मिनट्स के बाद ही सेड सॉरी एंड देन ही सेड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट एंड देन ही स्टार्टेड हिज परफॉर्मेंस तो वो देखते हुए जस्ट द थॉट व्हिच केम टू इज कि एक्टर अपने रोल पर और अपने डायलॉग्स पर इतना कंसंट्रेटेड है फुल्ली कि एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी और वो अपने रोल और अपना डायलॉग भूल गया हम सारा दिन अपने जीवन कैसे जी रहे हैं? Hmm. हम तो अपने माइंड को हर तरफ डिस्ट्रैक्टेड होने दे रहे हैं हमें अपना रोल और अपना डायलॉग पता ही नहीं है ना? से ध्यान में रहने वाला नहीं है बिल्कुल भी you know, कैसे ध्यान like... में रहेगा एंड देन गिव आर बेस्ट परफॉर्मेंस टू एवरी रोल बिकॉज हम तो अपने रोल में है ही नहीं सी इफ आई एम हेयर लेकिन मैं अपने बजाय औरों के रोल्स और औरों के डायलॉग्स के बारे में सोच रही हूँ आई एम नॉट देयर इन माई रोल हाउ विल माई लाइफ भी एंड फिर सब कुछ करते हुए भी हम कह रहे हैं वो अनुभव नहीं हो रहा वो जीवन में जो सक्सेस चाहिए वो कैसे सक्सेस होगी आज एक एक्टर को क्यों अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के बाद क्योंकि वो अपने रोल में अच्छी तरह से इन्वॉल्व था हम किसी भी थिएटर एक्टर को जाकर पूछ सकते हैं अगर टू आवर्स के प्ले में वो सिर्फ औरों के रोल के बारे hmm. में सोच रहे थे हाउ डेड यू एंजॉय योर परफॉर्मेंस टू होता कभी भी नहीं यू आर अ थिएटर एक्टर

विफ तो अब जो वो जो आई डेंट नो दिस बट अगर वो पाँच मिनट का साइलेंस करते हैं वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि सारी डिस्ट्रैक्शन से एक्सटर्नल भी इंटरनल भी हर तरफ से हटकर, अब आ जाओ सिर्फ और सिर्फ अपने रोल के ऊपर क्योंकि ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस अपना पूरा प्ले कर रहे हैं विदाउट बींग इन दीन एंड तब हमें अपने इस प्ले में

I can control आई कैन कंट्रोल ये change, you know, to, uh, things better for him. तो लेकिन ये तो मेरा बिलीफ है ना कि आप मेरे कंट्रोल में हो मैं अगर आपको बोलूंगी तो आप करोगे आप करोगे दिस इज अ वेरी वेरी डीप belief कि लोग मेरे कंट्रोल में हैं. करें करना चाहिए उन्हें लेकिन जब हम बोल रहे हैं अब उनको जब हम यू you नो know, रोक रहे हैं टोक रहे हैं या उनके प्रति जजमेंटल हो रहे हैं थॉट तो यही है ना कि ये सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में मेरे कंट्रोल में है और ये सारी दुनिया मेरे चाहने के अनुसार चलनी चाहिए दिस इज अ वेरी डीप बिलीव सिस्टम द वर्ल्ड शुड गो अकॉर्डिंग टू माई लाइक्स माई डिज़ायर्स एंड माई एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल्सो सेकेंड बिलीफ सिस्टम माई हैपीनेस इज डिपेंडेंट ऑन देअर बिहेविंग द वे आई वॉन्टेड तो इसलिए अपनी ही खुशी के लिए ही सारा कुछ खुशी के लिए अपनी खुशी के लिए औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते और उस प्रोसेस में अंदर ही अंदर और 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 दर्द क्रिएट करते जाते सो एक दिन के लिए ये ट्राई कर सकते हैं जहाँ हम राइटिंग किसी कॉर्पोरेट बॉस के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम आम अपनी जीती हुई चाहे आप माँ हैं चाहे आप सबॉर्डिनेट uh, भी हैं you know? जैसे माँ आपने कहा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये कंट्रोल का फीलिंग बहुत ज़्यादा आता है इवन एक पेरेंट को किस कॉन्शियसनेस से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए कि ये आत्माएँ हैं जो मेरे घर में आए हैं मेरा रोल है एक तो इनको फिजिकल प्रोटेक्शन देना इंटेलेक्चुअल जो भी इनकी ग्रोथ कराना बाकी मेरा रोल है इनको वो एक एनवायरनमेंट देना इनको वो पालना देना एंड देन लेट देम टेक देयर लाइफ द वे दे वांट नॉट लेट देम डू एंड बिकम व्हाट आई वांट यू नो लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग टू मेक आर चिल्ड्रेन वॉट वी वॉन्ट इट्स नॉट वी आर देयर टू गाइड But then we are there to guide. तो तो कितनी बार तो कहते हैं कि अगर तुमने मेरा ही सपना पूरा नहीं किया तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ so, इसको चेक करने hmm. की चीज़ है कि उस आत्मा की अपनी जर्नी है अपने यू नो लाइक्स डिस डिज़ायर्स जो भी सारा कुछ है अपनी क्रिएटिविटी है हम सोच रहे हैं वो हमारी थॉट पैटर्न से अगर अपना रोल प्ले करे तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी दब जाएगी एंड दैट सोल विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस क्योंकि वो अपने थॉट्स से भी नहीं चल रहा और मेरे थॉट से तो वो कर mm -hmm. ही नहीं सकता सो इवन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें एक गाइड की तरह बनना चाहिए ना एक फैसिलिटेटर की तरह जो हमेशा है ऑलवेज अवेलेबल बट टू हेल्प मी टू गाइड मी नॉट टू कंट्रोल में तो उससे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएगा लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम हमेशा उनको रोकते हैं हर चीज़ पे ताकि उनकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले हम कितना भी ट्राई करें उनके अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं बट अगर हम उनको गाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग बनाते तो वो अपने अप्स एंड डाउन्स को तो हैंडल कर फेस कर लेंगे वी आर थिंकिंग कि हम बच्चों को इतना राइट 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 दिशा पर ले जाएं कि इनके जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना आए दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट इट हैज़ टू बी हम उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दें ताकि जो भी प्रॉब्लम आएगी जो भी चैलेंज आएगा दे विल बी एबल टू जस्ट क्रॉस इट एंड दैट विल ओनली हैपन इफ़ आई फेसिलिटेड यूनि एक मैंटर जैसे होता है mm. एक गाइड जैसे होता है नॉट अ कंट्रोलर तो हम पेरेंट्स कंट्रोलिंग वाली जो एटीट्यूड लेकर चलते उससे हम उसकी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं तो एक दिन ट्राई करेंगे स्क्रिप्ट नहीं लिखने mm. के लिए औरों की और इसके लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा सी अब जब हमने अपने ऊपर बात करनी शुरू की है अपने अपने हर सोच को देखना शुरू किया है तब रियलाइजेशन ये हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं आई थिंक समवेयर हमें ये फीलिंग कि मेरा कंट्रोल है दूसरे के ऊपर हाँ सी दैट फीलिंग कि मेरा अगर हमें किसी को भी बताना भी है इट शुड बी लाइक दिस इज माय ओपिनियन यू नो यू कैन टेक इट इफ यूर कंफर्टेबल विद इट ऑफ सेइंग यू हैव टू डू इट दिस वे एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो करेंगे ही वैसा एंड देन गेटिंग एंग्री कि वो नहीं, कर वो नहीं कर पाते हैं उस तरह से तो उससे फिर क्या हो जाता है उनको राइट और रॉन्ग सिखाने के प्रोसेस में हम जब हर्ट हो जाते तो हमारा रोल क्या हो गया hmm. मैंने तो अपने, अपने, अपने रोल, पे रोल पे तो काम किया ही नहीं अपना ना? रोल अगर मुझे आज आपको देखकर गुस्सा आ गया क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी लेट्स अ क्राइम एंड मुझे गुस्सा आ गया तो आपने तो जो भी गलत किया सुखिया वो आपके रोल का मैंने जो गुस्सा किया मैंने जो हर्ट क्रिएट किया तो मेरा रोल भी तो खराब हो गया ना hmm. तो पहले मेरे अपने रोल पर मुझे ध्यान देना देन आई कैन प्रोबेबली शेयर विद यू और गाइड यू यून बट आपके रोंग को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने अपने भी रोल को खराब कर दिया तो हर एक एक्टर का रोल खराब ऐसा? होता गया ना फिर हाँ तभी तो ड्रामा खराब होने लग गया is... अच्छा खासा जो है प्ले चल रहा है उसको अगर हम एक मिनट में खराब एक नॉर्मल प्ले में भी अगर देखते थिएटर पे लेट्स से हम अभी वो उस प्ले में हैं एंड मुझे अपनी लाइंस भूल गई तो जो बाकी एक्टर्स हैं स्टेज पर उनका क्या रोल होता है वो कभी भी पता नहीं चलने देते किसी को भी कैसा हुआ इतना फटाफट डिजाइन कर लिया जाता लेकिन है लेकिन वो क्या करते हैं वो अपने ही रोल पर और अच्छी तरह से कंसंट्रेट करते ताकि उनके रोल और उनके डायलॉग से मुझे वो क्यूँ मिल जाएगा कि वे वॉज आई मेकिंग अस्टेक दे डोंट स्टॉप एंड टेल मी द लाइन दे डोंट स्पॉयल द हारमोनी ऑफ द ड्रामा ये सी तो सिमिलरली अगर कोई मेरे आस पास कुछ गलत कर रहा है गलत डायलॉग बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मी गलत डायलॉग गलत लाइन सब कुछ आई कैन जस्ट टेक केयर मोर ऑन माई रोन यू नो और भी ज़्यादा ध्यान रखे कि आई एल नॉट गेट हर्ट आई एल रिमेन स्टेबल तो दैट माइट गिव द क्यू To the other person, ओहो, मैं भटक गया था मेरी लाइन तो ये थी yes. लेकिन जहाँ वो भी लाइन्स अपनी खराब कर दी मैंने भी अपनी लाइन्स खराब कर दी एंड ग्रेजुअली हम दोनों ने अपनी लाइन्स को डायलॉग को पूरी तरह से इतना बड़े अनप्लेजेंट एंड फिर वो ड्रामा हमें पसंद नहीं आता फिर हम कहते ये जीवन ऐसा क्यों है तो ये वाली एक पॉइंट एवरी वन बी ये हमें यहाँ सफाई रखने में बहुत मदद करेगी क्योंकि हम बहुत एनर्जी और देखो ना हम कितने लोगों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं एक दो की लिख रहे हों चार की लिख रहे हों तो भी ठीक है हम सारा दिन में कितने एक्टर्स की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते उसे ऐसा कहना चाहिए था

इंटरफेयर न डू? You know, और ये जितना ईजी लग रहा है उतना ईजी नहीं है इसका हमें बहुत जैसे आपने आज शुरू में भी कहा ना कि आपका ऊपर नीचे होता है कि नहीं आई हैव सीन सबसे ज्यादा कारण ऊपर नीचे होने का यही एक होता जैसे ही मेरा फोकस जाता है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको ऐसा नहीं देर इज गॉन दैट स्टेबिलिटी है मॉर्निंग में उठे मेडिटेशन इट्स वेरी नाइस यू आर एब्सोल्युटली लाइक दिस एंड देन दाइंड गोज इन टू इनको क्या बोलना चाहिए था इनको क्या करना चाहिए था एंड देर यू गो अगर आप वो एक चीज पर वर्क कर लो आपका माइंड ऐसे रहेगा देर इज नथिंग एल्स आउट देर इन द वर्ल्ड जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस होने वाली है ये हम जब हो जाते हैं सो राइट नाउ I am constantly trying to look in this and I can just say it's easy, but requires a lot of attention. Because off very off. It is such a Sanskar that we try to remind ourselves and then before we are aware, 10 minutes I suddenly see, oh, my mind is again thinking about someone else and again we are passing judgment about pass What a waste of energy. Come back. But do it, दी वैकेंसी के वो परसेंटेज कम होती जा रही है कम होती जा रही है एटलीस्ट मेरी लिस्ट कम होती जा रही है कितने लोगों के बारे में आई एम थिंकिंग एंड कमिंग स्मालीड टू फिनिश इट क्योंकि कोई भी नहीं है जो मेरे कंट्रोल में है पहले तो क्या हो रहा था गाड़ी चलाते हुए भी हर एक ड्राइवर के ऊपर भी कमेंट पास हो रहा था कैसे चला रहे हैं लाइन में नहीं खड़े टोल पर खड़े हैं गलत साइड से ओवरटेक कर रहे हैं तो फिर भी ओवरटेक करना है mm -hmm. लाइन को तोड़ देते हैं टैग की लाइन में कैश फर वो देर इज सो मच टू गेट डिस्टर्ब अबाउट इफ यू अलाउ येर इज जस्ट मच है

अभी भी दिख तो रहा ना आंखें कान बंद थोड़ी है कुछ भी लेकिन यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए ओके दिस बिकम्स एक्सेप्टेंस कि एक्सेप्ट करें कि हर एक अपना अपना रोल अपने अपने अनुसार प्ले कर रहा है एंड दे हैव द राइट टू डू इट एवरी वन मेरे अंदर बहुत कुछ है अभी पीपल मजब भी सिटिंग एंड थिंकिंग दैट आई एम रॉन्ग बट आई एम फीलिंग दैट वट एवर आई एम डूइंग इज राइट तो इसी तरह सामने वाला भी जो कुछ भी कर रहा होगा इवन अगर वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है लाइन तोड़ रहा है उसके पास उस टाइम कुछ ना कुछ लॉजिक होगा उसके लिए और जैसे ही हम ये लेट भी करना शुरू करते एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को लोगों को कि हर एक अपने अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहा है एंड एवरीबडी इज़ एक्यूरेट इन द रोल दे आर प्लेइंग यस इफ़ समबडी asks मी फॉर हेल्प इफ somebody wants मी टू गेट इन्वॉल्व इन their ड्रामा

इफ़ योर रोल सी यही पेरेंट के रोल है यही बॉस का रोल है ये टीचर का रोल है क्योंकि हमारा रोल है किसी तरह तब कि हम औरों के ड्रामा में थोड़ा सा इन्वॉल्व हैं क्योंकि हम गाइड हैं हम फैसिलिटेटर हैं लेकिन वो रोल कहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता जब वो दूसरे एक्टर के इमोशन हमारे ऊपर ओवर पावर कर जाते बच्चा दर्द में है मेरा रोल है उसके साथ बैठना

लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम रोल प्ले की बात करते हैं लगता है कि बड़ा मैकेनिकल हो गया यू नो समवेयर डीप विद इन बिकॉज वी इंजॉयड इट सो मच और लाइक

मुझे उदास होना ही है दिस वॉज ऑल मकैनिक बट नाव इट्स बिकम क्रिएटिव कि मेरे पास चॉइस है वो हर्ट है मैं स्टेबल भी रह सकती मैं न्यूट्रल रह सकती मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव होकर कुछ और क्रिएटिव सोच सकती लेकिन पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास देर वॉज जस्ट वन चॉइस एंड तब हम कहते थे अटैचमेंट है तो हर्ट के साथ हर्ट होना नेचुरल है ये नेचुरल था एंड वी टुक इट एज अ साइन ऑफ लव कि अगर वो दर्द में है और मुझे भी दर्द हो रहा है It is a sign that हम बहुत बहुत एक दूसरे से so, बहुत प्यार we were, करते somewhere, हैं। के साथ है बच्चे से कोई गलती हो गई पेरेंट हर्ट हो गया कहीं उसकी पेरेंटिंग स्किल पर यू नो क्वेश्चन मार्क उठ गया तो वो अपने कॉम्पलेक्सेज में इतना चले जाते हम कि हम बस चाहते हैं कि बच्चा किसी भी तरह ठीक हो जाए hmm. बस वो जो मेरे ऊपर स्टिग्मा लगा है दुनिया के सामने नहीं मेरे लिए अपने लिए कि मेरी पेरेंटिंग पे जो स्टिग्मा लगा है वो ठीक हो जाना चाहिए इसलिए हम उसको कहते हैं तुम ठीक हो जाओ यू नो वी डोंट रियलाइज दिस बट ये इसलिए है तुम ठीक हो जाओ वी नॉट रेडी टू गिव इट टाइम टू अंडरस्टैंड वो क्यों ऐसा कर रहा है उसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्स है क्या दर्द है क्या सेल्फ इस्टीम हर्ट हुई कुछ नहीं तुम ठीक हो जाओ बस तुम ठीक हो जाओ क्यों क्योंकि जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं फिर अश्योरेंस हो जाएगी कि मैं ठीक हो जाऊँगा सो यू नो देन आई एम नॉट प्लेइंग दैट पेरेंट रोल इन द वेरी राइट वे और जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा क्लैटर नहीं होगा तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंट होता जाएगा सारे आंसर्स सारे सल्यूशन्स यहाँ पर है जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन कि के एक ट्यूटर है जो अंदर बैठा है लेकिन अंदर की आवाज़ सुनने के लिए ये नॉइज को खतम करना पड़ेगा। अभी क्या आवाज जर्नी पर है तो अंदर से आवाज आती है हमें कहते है, मुझे अंदर से आवाज आई थी कि ये ठीक नहीं है लेकिन मैंने उस आवाज को क्या किया मैंने अनसुना किया क्यों अनसुना किया क्योंकि कहीं मैंने सोचा कि अगर मैं उस आवाज़ की बात मानती हूँ तो मैं वो करने से अपने आप को रोक दूंगी जिस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और विद स्मोकिंग आई डोंट वॉन्ट आई शुडन बी वॉचिंग थ्री आवर्स ऑफ टेलीविजन आई डोंट है वॉचिंग तो अंदर से ये छोटी छोटी ah, बात है वेरी बिग वंस कि छोटी सी आवाज अंदर से आएगी मत देखो या ये मत लो ये तुम्हारे लिए अभी इट्स नॉट गुड लेकिन आई से गो अवे मुझे खुशी चाहिए You know, तो मैं उस आवाज को इसलिए इग्नोर कर देती हूँ मुझे, मुझे मेरी खुशी से ही hmm. दूर लेके जा रही है विदाउट रियलाइजिंग वो आवाज ही मुझे मेरी खुशी तक लेके जाने okay, वाली है मेरी डॉटर टोल्ड मी कि मेरे को पता चल रहा है कि मैं टीवी देख के टाइम वेस्ट करी प्लीज एंड स्कोल्ड मी मॉम सेड

टू टेक दैट सिग्नल इग्नोर करते गए इट्स लाइक like हमें एक बहुत अच्छा टीचर मिला है जो हमेशा हमें अच्छा सिखा रहा है लेकिन मैं उस टीचर की आवाज यू you नो know, आवाज़ को उसकी विजडम को क्योंकि सारी विजडम भरी हुई है मेरे जीवन में मेरे लिए क्या सही है वो तो मेरे पास है मेरे पास आंसर है आई नेवर नीड टू गो एन आस कैन ई एल्स लेकिन और आजकल हम हर चीज हर छोटा डिसीजन भी ऑफिस का डिसीजन भी घर का डिसीजन भी दस लोगों से पूछ के कर रहे होते हैं बिकॉज वी नॉट लिस्निंग सो वो ट्यूटर अंदर बैठा है उसकी बात को सुने और जितना सुनते जाएंगे यू you नो know, ये टीचर ऐसा है कि हम उसकी बात को जितना सुनते जाएंगे ये हमें विजडम और, और भी देता जाएगा यू नो सपोज आप मुझे कोई अच्छी बात बता रहे हो मैं सुनती ही नहीं फिर आपने दूसरी बार बताया मैं सुनती नहीं चार बार पांचवी बार आप मुझे बोलना ही करोगे। तो मैंने ही अपने तो आप और बताना शुरू करोगे और बताओगे इमेजिन माई लाइफ विल बिकम वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी सुंदर तो आज जो हम इस प्रोसेस पे हैं कि हमें करना क्या है जिन बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ हम अभी तक बैठे थे उन्हें छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो लोगों को छोड़ना पड़ेगा लोगों की स्क्रिप्ट छोड़ लिखनी छोड़नी पड़ेगी कि लेट बी एक तो लेट गो और जो जैसा है उसे वैसा रहने दें उसके ऊपर चिंतन मत करते रहें कि उस वो ऐसा कर ले वो ऐसा कर दे मेरा टीचर ऐसे कर ले मेरा हस्बैंड ऐसे कर ले समवेयर वी नीड टू लेट बी वो जो जैसे हैं और दूसरी बात कि जहाँ हमने अपने आप को साइलेंट करके उस आवाज को सुनना शुरू कर दिया चाहे इंप्लीमेंट अभी भी ना करें यू you नो know, चाहे मैं तो कहती हूँ चाहे इम्प्लीमेंट ना करो सुन के उसको रजिस्टर तो कर ले एट टाइम नो उसको रजिस्टर करना शुरू कर दे यस दिस इज़ वॉट आई शुड बी डूइंग बट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग इट्स ओके बट नेक्स्ट टाइम आई विल लिसन टू यू यू नो तो यहाँ ये प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है उसमें जैसे हमने कहा कि हर एक घंटे के बाद एक मिनट का साइलेंस ये बात की याद दिलाएगा मेरी आवाज़ मुझे अपने साथ सुनाता जाएगा तो ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिस हैं वो हमें करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि फिर हम चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है वो आप हमारे साथ शेयर करें तो कोई बात मन में आ रही है कोई सवाल है अभी भी है या इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई ऑब्स्टिकल है आप हमें संपर्क कर सकते हैं या तो फ़ोन पर या फिर ई पर इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राज मेडिटेशन सेंटर कॉल एस ऑन जीरो नाइन 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 इज डबल फोर ट्रिपल फाइव शिवानी आज की जो पूरी बातचीत रही आ, बहुत क्लैरिटी से ये समझ में आ गया कि करना क्या है आप कितना करेंगे यह हमारे ऊपर निर्भर करता है लेकिन ये डेफिनेट है कि हम करेंगे ज़रूर क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ करना थैंक यू सो मच ओम शांति और अब आपसे भी विदा लेते हैं लेकिन इसी बात के साथ कि ये जो हमें समझ में आ रही है बात लगता है कि पॉसिबल है तो लेट्स ट्राई इट आउट ना पहले भी तो हम इसी इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करते आ रहे थे बदला जीवन आगे और भी बदलेगा हैप्पीनेस हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी फिलहाल आपसे विदा लेते हैं ओम शांति Om shantiyo